हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। सो मैं अभी हम लोग अपने गांव गए थे रिसेंटली। सो इस वीडियो में के जरिए मैं आप सबको अपना गांव घुमाऊंगा। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MS फैमिली ब्लॉग्स, और मेरा गांव देखने के लिए बने रहिए इस वीडियो में मेरे साथ। मैं आपको गांव की हर एक एक्टिविटीज़ दिखाऊंगा। ये नवंबर मंथ का सीज़न है, सो इस टाइम में, इस सीज़न में गांव में क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं, खेती में क्या क्या होते हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको इसमें दिखाऊंगा और बताऊंगा एक एक करके। सो प्लीज़, अगर आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, आगे मैं आपको पूरा दिखाता हूँ। आइए हम दिखाते पहले अपना घर, गांव का घर। ये है हमारा गांव का घर। इसमें सामने जो आपने गट्ठर देखा वो धान के गट्ठर हैं, और ये हमारे पीछे खेत, घर के पीछे का खेत है। ये फार्म हाउस दिख रहा है, और ये सुबह का टाइम है, सुबह अराउंड 6:30-7 बज रहे होंगे। तो उगता हुआ सूरज गांव का सबसे मेन देखने को सबसे अच्छा लगता है, सुनहरा। और ये फार्म पे गए थे हम लोग सुबह सुबह। ये मेरी बच्ची है और मेरे भाई की एक बच्ची है, पीयू एंड परी। तो ये दोनों गांव, मतलब पगडंडियों से होते हुए फार्म से घर की तरफ जा रहे हैं हम लोग। मेरा गोट फार्म है मेरे घर से अराउंड 500 मीटर पीछे है खेत में। तो सुबह सुबह सब लोग वहाँ गए थे बच्चों को लेके, बच्चे पूरे दिन खेले। और ये है, हल्दी का प्लांट लगाया गया है, और यहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधे लगे हुए हैं। ये देखिए, आम का पेड़ है और ये हल्दी का प्लांट्स है, और पीछे के साइड पे एक गाय बंधी हुई है हमारी, एक मिली है मेरी दादी से, ग्रैंड मदर। ये ठंड की वजह से पूरा चादर शॉल ओढ़े हुए हैं, और ये हम लोग बैक साइड से होकर अपने घर पे जा रहे हैं, सबकी बाइक से घर पे। ये धान के गट्ठर जो लाके अभी खेत से लाके रखे गए हुए हैं, अभी इनसे धान अलग करना बाकी है, जिसको सटकाई कहते हैं। सटक के धान और पुआल अलग करते हैं। ये धान सटकने की मशीन है, और ये चारा बालने की मशीन, दोनों एक जगह पे लगी हुई है। ये धान के गट्ठर खेतों से बांध के आते हैं, ट्रैक्टर से लेके आते हैं हम लोग, और ये घर पे एक जगह इकट्ठा करके इसकी सटकाई करके धान और पुआल अलग किया जाता है। अलग करके फिर धान को आगे प्रोसेस करके वो चावल निकाला जाता है। ये मेरा गांव का घर, बरामदा आप सामने से देख सकते हैं। ये घर के सामने एक अमरूद का पेड़ लगा हुआ है, अभी छोटा है, इसमें एक दो फल लगे हुए हैं अभी। अच्छा है। और ये सबकी बाइक्स खड़ी है, भाई की, मेरी, अंकल की, सबकी। चलिए आपको दिखाते हैं घर के अंदर का थोड़ा नज़ारा। ये बरामदा है, बरामदे से होके गांव का बरामदा है, चौकी लगी हुई है। और ये है किचन, एक घर पे चूल्हा है जिस पे खाना बनता है। गांव पे अभी भी गैस है, अवेलेबल है, बट अभी भी चूल्हे पे ज़्यादा प्रेफर करते हैं खाना बनाना। तो ये चूल्हा गांव का, इस पे लोग खाने बनाते हैं। और ये किचन, किचन बना हुआ है। गांव के किचन को थोड़ा मॉडिफाई किया है अभी, करके अच्छे से बना दिया है। और ये
बैक साइड किचन से खेत के पीछे का पूरा खेत दिखता है पूरा। ये मिलते हैं हमारे ग्रैंड फादर से, इनको हम लोग बाबा कहते हैं। इनकी एज अराउंड 85+ है। ये अभी भी थोड़े बहुत सारे बहुत ज़्यादा वीक हो गए हैं अभी, पहले थोड़े और स्ट्रांग थे लेकिन अभी एज के हिसाब से वीक हो गए हैं थोड़े। और ये बच्चे सब लोग अभी सुबह सुबह, फिर हम लोग अभी हैंडपम्प पे आए हैं ब्रश करने के लिए, ब्रश दातुअन। मैं तो अभी जितने दिन तक था वहाँ पे, 3-4 दिन तक नीम का दातुअन ही यूज़ किया टीथ क्लीन करने के लिए। और छोटे बच्चे, उनको ब्रश चाहिए होता है, ब्रश लेके करते हैं। और ये हैंडपम्प के पास का खेत है, इसमें ये देखिए ग्रीन वेजिटेबल, इसमें ये सारा पालक लगा हुआ है। पालक है, अभी ये छोटे हैं, पूरी तरह से बड़े नहीं हुए हैं। अभी कुछ दिनों में, 10-15 दिन और लगेंगे इसको, 10-15 दिन में पूरे बड़े हो जाएंगे। तो फिर काट के मार्केट को मार्केट में ले जाके बेच दिया जाता है, या फिर घर से ही आके वो ले जाते हैं सब्जी वाले, जिन जो बेचने वाले रहते हैं वो घर पे ही आके ले जाते हैं। और ये हैंडपम्प के पास एक बहुत पुराना रोज़ प्लांट है, गुलाब का पेड़, और कई सालों से ऐसे ही है। और बहुत सारे फूल इसमें खिलते हैं, हर बार बहुत सारे फूल लगे ही रहते हैं इसमें। और ये हैंडपम्प है, और इस हैंड हमारे गांव में सब लोग, मतलब मैक्सिमम हैंडपम्प से ही सब लोग पानी पीने का, पानी इससे हैंडपम्प का ही यूज़ करते हैं। और ये पानी बहुत ही साफ़ और शुद्ध रहता है। चलिए हम दिखाते हैं अपने खेत का, जहाँ पे सब्जियाँ लगाई गई हैं। और थोड़ा ये आलू का मेड़ चढ़ाया जा रहा है अभी, ये मेरा भाई अखिलेश है। अभी ये आलू छोटे हैं, इनको अभी गुड़ाई करके इन पे मेड़ चढ़ा दिया जाएगा और फिर बड़े होंगे। फिर अभी ये है सीन फार्म का, हम लोग अपने फार्म हाउस पे अगेन आ गए हैं। तो ये फार्म हाउस के पास शीशम का पेड़ लगा हुआ है एक बहुत बड़ा, और ये चारपाई डली हुई है बाहर, और एक अंदर भी बेड लगा हुआ है ऐसे। यहाँ पे रात में कोई तो एक होता है जो रात में जानवरों को देखने के लिए, देखभाल करने के लिए कि कुछ प्रॉब्लम ना हो उनको। तो वहाँ पे एक आदमी कोई तो रात को रहता है, जैसे बाबा हो गए या फिर कोई भी। ये पूरा मेरा फॉर्म जो है टीन सेट का बना हुआ है, टीन सेट नहीं एक्चुअली ये सीमेंट सेट का है। और ये हमारी गाय, मम्मी गाय को चारा पानी दे रही थी। और एक गोट्स हैं बहुत सारी, गोट्स अराउंड 40+ हैं अपने फॉर्म में। और ये शाम को डी बाबा हैं हमारे गांव से, गांव के दक्षिण साइड में एक स्थान है इनका, यहाँ पे पूजा हो रही है, डी बाबा का स्थान है, शाम को पूजा हो रही है। फिर से हम लोग अपने खेत का दिखाएंगे। ये मूली का लगा हुआ है, खेती की गई है जिसमें मूली है बहुत सारे, मेरा भाई मूली निकाल रहा था। अब चलिए आपको दिखाते हैं धान के खेत का पूरा सीन। ये धान की कटाई कर दी गई है, कटाई करके ऐसे ही खेत में बिछा के छोड़ दिया जाता है ताकि सूखने के लिए। जब एक बार ये सूख जाता है तो इसके गट्ठर बनाए जाते हैं, गट्ठे बांध बांध के फिर इसको जो है ट्रैक्टर या फिर लोग सर पे भी उठा के, जिनके मतलब जिसके पास जो सुविधा है उसके थ्रू घर पे ले आते हैं। यहाँ पे हम लोग पूरा गट्ठर बना के ट्रैक्टर से घर लेके जाएंगे। और ये हमारे अंकल आंटी हैं जो धान की सफाई कर रहे हैं। तो दोस्तों प्लीज़ कमेंट करके बताइए कैसा लगा हमारा गांव का घर और हमारा गांव। बाय बाय।